पूरा शुक्रिया। आज के दिन की महत्वता क्या है, इसके बारे में आपके कॉलेज के लोगों ने, प्रिंसिपल साहब ने बहुत कुछ विस्तार से बताया है। महान राष्ट्र संत महंत अवधनाथ जी महाराज, युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, आज पुण्यतिथि है। महाराणा प्रताप जी कॉलेज गोरखपुर ने जो 7 दिन का व्याख्यान माला आप लोगों ने की है, इस व्याख्यान माला के समापन समारोह में आपने मुझे जो दावत दी, जो इज्जत दी, उसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। आज की प्रोग्राम की सदारत कर रहे प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह साहब, आज के मेहमान खुसूसी जनाब कमलेश सिंह जी, आपके इस विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार राव साहब, और मेरी शान में बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता थी, इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र जी ने बहुत कुछ बताया है। ख्वातीनों हजरात, मेरी हम उम्र, मेरे बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद पिछले 2 साल में ये मेरी ऐसी सभा है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा तलाश थी। अगर मैं अपने दोनों व्याख्यानों को देखता हूँ, इलाहाबाद और बनारस में, शायद आप लोगों को मेरे परिचय में बताया कि मेरा मासी क्या है, लिहाजा पहली बार मैंने आज हिंदुस्तान में इतना घूमने के बाद सरस्वती वंदना सुनी है। कल से लेके अब तक मैं आपके शहर में था, कई लोगों से मिला, अध्यापकों से मिला, प्रिंसिपल साहब से मिला, कुछ और क्षेत्रों के लोग भी मुझसे मिले, लेकिन किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन और टाइमिंग इससे बढ़िया मैंने कभी नहीं देखा कि जो समय दिया गया है उस पर शुरू होगा, कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, कौन कितनी देर में आएगा, क्योंकि समय की महत्वता के बारे में हमारे देश में चर्चा कम होती है, और समय हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत है, जबकि मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के पास समय सबसे ज़्यादा कम है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बात शुरू करूँ, उससे पहले आप तमाम विद्यार्थियों से, जिनको 47 के बाद को भारत की जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो कुछ किताबों के नाम ज़रूर नोट करें और उसको पढ़ डालें। और ये किसी राजनीतिक दल ने, किसी संगठन ने नहीं लिखी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस समय को अपनी आंखों से देखा है, उन घटनाओं का वर्णन है उसमें। इन किताबों के पढ़ने के बाद आप किसी सही राय बना सकते हैं किसी घटना के बारे में, किसी ऐसी बातचीत के बारे में जो कहीं तो समाज में बहुत जाती है लेकिन उसका रेफरेंस नहीं होता है, क्योंकि कश्मीर का जिक्र बहुत हो रहा है, कश्मीर चर्चा का विषय है,
कश्मीर में जो कुछ हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। उसी में एक किताब है, बड़े यंग राइटर हैं, उनके परिवार में 19 जनवरी 1989 को जो कुछ हुआ उसका वैसे ही वर्णन है। उस किताब का नाम है आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स ए लॉस्ट होम इन कश्मीर, राहुल पंडित साहब की किताब है। इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, कुरान के बारे में जानना चाहते हैं,